Today we will show you the procedure of mesh repair for incisional hernia. This incisional hernia occurred after multiple C-sections, and this patient presented for having this hernia for last C-section. As far as the process is concerned, after paint and draping, we will give an elliptical incision in order to remove all the scar tissue and extra stretch tissue which is stretched because of sac of the hernia. After incision, we will remove this elliptical scar, and we will deepen the dissection up to the level of sac. Elliptical incision se hum extra skin bhi nikal lenge, aur baad mein ye ek acha shape degi. Aur aap ab dekh sakte hain isme ke we will have to do dissections all around this defect. With this dissection, we will reach up to the level of neck. It's not always possible that you achieve fine dissection, because actually it's a scar. ये एक ऐसा scar area होता है जिसके through ये incisional hernia बनता है. This incisional hernia is not actually the named hernia like paramblecal hernias or umbilical hernias or inguinal hernias, where there is named defect and that's why it's a named hernia. Incisional hernia कैसे बनता है? Incisional hernia किसी जगह का भी process हो, like appendix का scar हो, coli का scar हो, या इस केस में जैसे कि C-section का scar हो, उसके through ये hernia बन जाता है. वो कैसे बनता है? कि in the initial process of healing, skin or superficial tissue is healed, and but there is disruption of deeper tissue, like deeper tissue is not actually closed. और अगर वो क्लोज नहीं होती तो हर्निया उसी वक्त ऑब्वियस हो जाता है, या फिर कुछ मंथ्स के बाद ऑब्वियस हो जाता है. अगर तो स्किन टू डीपर टिश्यू तक डिसरप्शन हो, देन इट वुड बी डेहिसेंस ऑफ द वुंड. लेकिन अगर डीपर टिश्यू की डिसरप्शन होती है, वो आपस में जोड़ नहीं सकती, और स्किन वाला एरिया जो है और सबक्यूटेनियस टिश्यू वाला एरिया जो है वो जुड़ जाता है, तो इस केस में इंसिशनल हर्निया होता है. इस वीडियो में आपने देख रहे हैं कि पहले डिसेक्शन की और एक्स्ट्रा सैक को एक्साइज किया. अब नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हम इसको पहले प्राइमरी टिश्यू रिपेयर कर रहे हैं. दोनों एजेस को हम मिला रहे हैं. इसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं. अगर तो फाइब्रोटिक रिंग हो, हैवी टिश्यू हो अराउंड द डिफेक्ट, तो फिर तो हम इसको प्राइमरी टिश्यू रिपेयर से मिला सकते हैं, सैक को एक्साइज कर सकते हैं. लेकिन अगर इसमें अगर तो सैक के साथ अंडरलाइंग टिश्यू की मीन्स ओमेंटम की या फिर गट की एडहेशंस नहीं हैं, तो देर इज़ नो नीड टू एक्साइज द सैक. यू जस्ट हैव टू रिड्यूस द सैक एंड यू हैव टू कवर द डिफेक्ट विद प्रोलीन 1. अगर तो एडहेशंस हैं और इसमें कंटेंट्स हैं और रिड्यूसिबल नहीं हो रहे, तो फिर देन यू विल हैव टू ओपन अप द सैक एंड यू विल हैव टू एक्साइज द सैक, ब्रेक द एडहेशंस बिटवीन सैक एंड अंडरलाइंग ऑर्गन्स आर फैट. तो उस केस में आपको सैक को एक्साइज करना पड़ेगा. इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमने प्राइमरी टिश्यू रिपेयर कर ली है. अब इसके बाद हमने अब मैश रखना है, तो विल हैव टू मेंटेन दिस स्टरलाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई विल हैव टू चेंज आवर ग्लव्स. और प्राइमरी टिश्यू रिपेयर के बाद जो सैक होती है,
वो रिपेयर्ड हो गई है, जो डिफेक्ट जो रिपेयर्ड हो गया है उसको अब हम वॉश करेंगे, नॉर्मल सलाइन के साथ हम वॉश करेंगे, और इस डिफेक्ट के ऑल अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर अराउंड दिस डिफेक्ट वी विल डू डिसेक्शन इन ऑर्डर टू प्ले। आपने देखा इस डिफेक्ट के ऑल अराउंड हमने डिसेक्शन की और ग्लव्स चेंज कर लिए और हमने नॉर्मल सलाइन से वॉश भी कर लिया था। अब हम मैश मीडियम साइज मैश 15x15 सेंटीमीटर साइज ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन मैश, वी आर यूजिंग पॉलीप्रोपाइलीन मैश इन दिस पेशेंट। मैश प्लेस करने के डिफरेंट तरीके हैं, या तो ये है कि यूनिवर्सल रूल तो ये है कि आप 5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड दिस डिफेक्ट डिसेक्शन शुड बी डन एंड मैश शुड बी कवरिंग दिस एरिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिकरेंस। रिकरेंस मैश रिपेयर में बहुत कम होती है, लेकिन अगर हम प्राइमरी टिश्यू रिपेयर अगर आप करना चाहते हैं तो उस केस में रिकरेंस के चांसेस 40-50% होते हैं। पहले डिफेक्ट को आपने प्रोलीन 1 से क्लोज किया और उसके ऑल अराउंड डिसेक्शन की, फिर पॉलीप्रोपाइलीन का मैश 15x15 सेंटीमीटर का हमने प्लेस किया कवरिंग 5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड दिस रिपेयर डिफेक्ट, और विद प्रोलीन 20 वी विल यूज टू प्लेस द मैश, और विद प्रोलीन 20 आप आफ्टर 2 सेंटीमीटर गैप के साथ आप प्रोलीन 20 के स्टिचेस अप्लाई करते जाएंगे मैश को प्लेस करने के लिए ऑल अराउंड और राइट टू लेफ्ट, सुपीरियर टू इन्फीरियर। और इस ये एक ख़ास ख्याल रखना है कि वाइल प्लेसिंग द मैश देर शुड नॉट बी एनी फोल्ड इन द मैश। ये एक लाइट वेट मैश होता है, पोरस मैश होता है, और इस पोरस मैश के ये फ़ायदा होता है कि बिटवीन दीज गैप्स देयर इज़ इन ग्रोथ ऑफ टिशू, सो इन ग्रोथ ऑफ टिश्यूज की वजह से ये मैश अपनी जगह पे स्टेबल रहता है एंड इट गिव्स एक्स्ट्रा एंड मजबूत लेयर देती है ये उस डिफेक्ट को। सो प्रोलीन 20 से 2 सेंटीमीटर गैप के साथ स्टिचेस अप्लाई करते जाने हैं और सारे एरिया को कवर करना है। देन अब इसमें देखें हम सेंटर में लगा रहे हैं, सेंट्रली आप डिफेक्ट के साथ वाले एरिया में यू विल हैव टू अप्लाई कंटिन्यूस सूचरिंग ऑफ दिस प्रोलीन 20 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हर्निएशन थ्रू दिस डिफेक्ट। ये डिफेक्ट वाला एरिया क्योंकि वीक होता है, इस एरिया में आपने मैश को विद कंटिन्यूस सूचरिंग आपने प्रोलीन 20 के स्टिचेस अप्लाई करने हैं। एक और मेथड भी है मैश को अप्लाई करने का, वो ये है कि पीस ऑफ मैश इज अप्लाइड ऑन बोथ साइड ऑफ द डिफेक्ट। उस गैप के ऊपर वाले हिस्से में एक पीस ऑफ मैश अप्लाई किया जाता है और उस गैप के नीचे वाले लोअर लिप वाले हिस्से में पीस ऑफ मैश अप्लाई किया जाता है। फिर इस एरिए को डबल ब्रेस्टिंग के थ्रू आप क्लोज करेंगे विद प्रोलीन 1। इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि मैश इज एक्चुअली सैंडविच्ड बिटवीन प्राइमरी टिश्यू और डबल लेयर मैश की हो जाती है, और इसमें आपने जो लेयर्स होती हैं वो आपने डिफाइन नहीं करनी होती, मैश को आपने उस डिफेक्ट के ऊपर रखना होता है। इसमें ये नहीं होता कि सबक्यूटेनियस प्लेन वाला एरिया है, सबक्यूटेनियस प्लेन जो मसल लेयर में रखना है या फेशियल लेयर में रखना है, इस डिफेक्ट के आपने जो लेयर्स होती हैं उसको सेपरेट नहीं करना, उस डिफेक्ट को क्लोज करना है। एक और मेथड है कि अगर मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं, तो अगर तो छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं उनको आपने प्राइमरीली क्लोज करके आपने फिर जो बिगर डिफेक्ट होता है उसको आपने प्राइमरी टिश्यू रिपेयर करनी है। बिग डिफेक्ट को, छोटे डिफेक्ट्स को आपने पहले प्रोलीन 1 से क्लोज किया, छोटे छोटे डिफेक्ट्स को विच आर अराउंड दिस मेन डिफेक्ट, फिर उस छोटे छोटे डिफेक्ट को क्लियर क्लोज करके विद प्रोलीन 1 आपने मेन डिफेक्ट को फिर करना है। ऐसा नहीं है कि छोटे डिफेक्ट्स को आपने बिगर डिफेक्ट के साथ अटैच कर देना है, तो इस तरह ये होगा कि वो जो टिश्यू दरमियान में डिफेक्ट्स के दरमियान में होगी वो कट हो जाएगी और वीक हो जाएगी और डिफेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर टिश्यू को आपस में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्मॉल डिफेक्ट्स को आपने पहले क्लोज करना है, फिर उस स्मॉल डिफेक्ट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है,
उसको फिर आपने मेन डिफेक्ट के साथ क्लोज और फिर उसके ऊपर आपने ये मैश अप्लाई करना है। इंसिशनल हर्निया क्यों बनता है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, या तो टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जिसको सर्जन फैक्टर बोलते हैं, सही सूचरिंग नहीं की जाती और सही मटेरियल अब्जॉर्बेबल सूचर आपने यूज़ कर लिया और रैपिडली अब्जॉर्बेबल सूचर आपने यूज़ कर लिया, सही सूचरिंग नहीं की जाती और डिफेक्ट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एज से आप वो स्टिचेस नहीं लेते, आप ये करते हैं कि रैपिडली अब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ कर लेते हैं, या फिर ये आता है कि आपकी जो सूचरिंग टेक्निक है वो जो सर्जिकल टेक्निक है दैट इज़ नॉट इफेक्टिव। ये तो सर्जन फैक्टर हो गए। दूसरे होते हैं पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर ये होता है कि पेशेंट को कफ हो जाती है, पेशेंट को कफ होगी तो वो डिसरप्शन हो जाएगी डीपर टिश्यूज़ की। फिर ये होता है कि पेशेंट वीक होता है, पेशेंट वीक होने के साथ पेशेंट की जो टिश्यू होती है वो हेल्थी नहीं होती, और ये फैक्टर्स होते हैं, ये सब मिला के दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ इंसिशनल हर्निया। आफ्टर प्लेसिंग मैश वी विल हैव टू क्लोज सबक्यूटेनियस टिश्यू प्लेन, बट बिफोर दैट विल हैव टू प्लेस ड्रेन। ड्रेन मस्ट बी सक्शन ड्रेन इन सबक्यूटेनियस प्लेन। सक्शन ड्रेन एब्डोमिनल प्लेन में सक्शन ड्रेन नहीं रखते, लेकिन जो सबक्यूटेनियस प्लेन होते हैं केवटी को ऑब्लिट्रेट करने के लिए आपको सक्शन ड्रेन रखनी पड़ती है। केवटी को भी ऑब्लिट्रेट करेगी और फॉर्मेशन ऑफ सीरोमा जो होगा उसको भी ड्रेन आउट करेगी, और सबक्यूटेनियस जो फैट होती है इसको आपने अप्रोक्सीमेट करना है, इसको केवटी को ऑब्लिट्रेट करने में एक अच्छा फैक्टर है। बट रिमेंबर इफ़ यू आर गोइंग टू प्लेस सक्शन ड्रेन देन देयर इज़ नो नीड टू क्लोज द सबक्यूटेनियस फैट और सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो उसमें सक्शन ड्रेन बिकॉज ऑफ दैट सक्शन इट विल काज ऑब्लिट्रेशन ऑफ दैट केविटी एंड इट विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सीरोमा और हिमाटोमा। बाज ऑफ सक्शन ड्रेन नहीं होती तो आप नेल्टन ड्रेन रख के उसमें ये होता है, नेल्टन ड्रेन जब आप रखते हैं तो उसको 60 cc ब्लैडर वॉश के साथ आप सेक्शन जो सक्शन होती है वो मेंटेन करते हो। तो देखिए आप सबक्यूटेनियस टिश्यू आफ्टर क्लोजिंग द सबक्यूटेनियस टिश्यू प्लेसिंग ड्रेन वी विल हैव टू अप्लाई विल हैव टू डू स्किन क्लोयर। अब स्किन क्लोयर आप कर सकते हैं अब्जॉर्बेबल सबक्यूटिकुलर स्टिचेस भी लगा सकते हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टिचेस रिमूव नहीं करने पड़ेंगे, स्कार एरिया जो वुंड होगा वो अच्छी हीलिंग होगी, एजेस की अप्रॉक्सीमेशन होती है, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। आप सब अगर रैगेड एजेस हों तो आप मैट्रेस सूचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये अब यू कैन सी वी आर अप्लाइंग दिस स्किन स्टिचेस विद प्रोलिन 20 सबक्यूटिकुलर स्टिचेस। इसमें ये होगा कि विल हैव टू रिमूव आफ्टर 10 to 12 days विल हैव टू रिमूव these subcuticular stitches. So mesh अगर सही और correct way में place किया जाए तो recurrence के chances बहुत ही कम होते हैं incisional hernia में, और because she had completed her family that's why we have placed mesh over this area. अगर तो family complete नहीं की होती तो we would have given a chance that, for the next conception after completion of the family we would have placed mesh over this area. So that's all about incisional hernia. Please subscribe to our channel for videos like these. ये देखें अब हम subcutaneous और deeper tissue में हम local apply कर रहे हैं ताकि patient pain free रहे after surgery, patient को ज़्यादा pain ना हो, comfortable होगा, mobile होगा, then we'll apply ड्रेसिंग पायोडीन सोक मटीरियल से ड्रेसिंग।